हमारे जमाने में तो मम्मी की पुरानी साड़ी पहन के फेरे दिवा दे वे। आजकल देखो पता ना कहाँ कहाँ चोचले लग रहे हैं। खैर दिखा दो बेटा दिखा दो। हाँ जी दीदी बताइए किस ओकेजन के लिए चाहिए? मेरी ना पहली शादी है तो उसके लिए लहंगा चाहिए। हाँ जी दीदी समझ गई। आप अपनी रिक्वायरमेंट और बता दीजिए उस हिसाब से दिखा देते हम। मुझे ना वो कैटरीना वाला लहंगा चाहिए, वो बड़े बड़े स्लीव्स चल रहे हैं ना, और एकदम कलर इंग्लिश पिंक एकदम अलग दिखेगा, और घेरा एकदम ऐसे 32 कली वाला होना चाहिए, कोई भी आजू बाजू खड़ा ना हो पाए, जरी एकदम भर भर के एक भी जगह खाली नहीं रहनी चाहिए, और वो चल रहे ना आजकल पॉकेट्स, आई लव पॉकेट्स, वो वाला वैसा ही लहंगा चाहिए एकदम। हाँ जी दीदी सब समझ गई। ए छोटू क्या लहंगा उतारियो तो? एक नंबर पीस है दीदी, आपको एक बार में पसंद आ जाएगा। ये देखिए अभी कैटरीना कैफ ने पहना था ये लहंगा। मजा नहीं आया। अच्छा दीदी कोई बात नहीं, तो पहला ही पीस था। ए छोटू वो पिंक दिखाइयो, दीदी को पिंक चाहिए। बहुत सुंदर लहंगा है दीदी, देखोगे ना आपको पसंद आ जाएगा एक ही बार में। देखो दीदी देखो कितना सुंदर सुंदर पूरा है। वो बात नहीं आई। अच्छा अरे दीदी वो छोड़ो, ये तो सिर्फ 55,000 का था। छोटू ये महंगा वाला उतारियो तो। अरे दीदी आप अपना बजट बता दीजिए उसी हिसाब से दिखा देते हैं, आपका भी टाइम बचेगा हमारा भी। 5। अच्छा 5 लाख। अरे दीदी इसमें तो आप जो बोल रही हो ना उसका डबल मिलेगा। छोटू 5 लाख नहीं 5,000। 5,000 में शादी वाला लहंगा। पल्लू भी खराब हो गया। लाओ मम्मी मैं सही कर देती हूँ। आपकी साड़ी की भी पल्लू एक जगह नहीं टिकती तो इस तरह से इसे नीचे से इकट्ठा करो और ब्लाउज के साइड में अंदर की तरफ से पिन कर दो, इससे ये खिसकेगी नहीं। अरे बेटा हो गया ठीक? हाँ मम्मी चलो चलो। और वो कीर्तन रखवाई थी आप ही के लिए जिसमें आप जम के नाच सको। आ गया आंटी आंटी आंटी।
की माँ कहाँ है, दुल्हन की माँ कहाँ है? हाँ हाँ बेटा, मैं तो सुबह से रेडी हूँ, चलो। आंटी मैं तो यहाँ हूँ, दिख नहीं रही क्या? हाँ हाँ दिख तो रही है। हाँ? और तेरे ये सर में क्या चमक रहा है? अच्छा ये तो मैंने हैक किया है। ऐसे प्लेन हेयर स्टाइल कितना अजीब लग रहा है ना, तो अब हमें ये चाहिए पर्ल इसको स्टाइलिश बनाने के लिए। बस अब आपको पर्ल लेके ऐसे चिपकाना है, पर ये तो गिर जाएगा। अब इसको फिक्स करने के लिए मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ ये आई लैशेस ग्लू। बस ये हो गया फिक्स एंड यू आर जस्ट रेडी टू गो। अच्छा बड़ा बढ़िया है के बेटा, है ना? चले डांस करने, चलो। आंटी पहले चश्मा तो लगा लो, डांस कैसे करोगे? सुबेर से ढूंढ रही हूँ मैं ये चश्मा, बताओ। चलो चलो, और नाश्ता मैं वैसे भी लूंगी, इसे चश्मे ही क्या जरूरत। चश्मा यहाँ है? तो आंटी कहाँ है? राम राम सत्य है, राम राम सत्य है, सत्य बोलो सत्य। तो मैंने अपनी हल्दी की साड़ी को कुछ इस तरह से स्टाइल किया है। नॉर्मल साड़ी की इस तरह से प्लीट्स बना ली है, और प्लीट्स बहुत सारी बनाई है, आप देख ही सकते हो। बस अब इसे पिन कर दिया और साड़ी की दूसरी छोर को इस तरह से टक कर दिया है। फिर हमें लेना है एक दुपट्टा और यहाँ पे प्लीट्स की जगह पे टक करना है। और ये देखो बन गई हमारी न्यू स्टाइल की साड़ी। ऐसे तो इतना कूटती है ना, आज रो रही है। अरे इनको देखो, लड़की कैसे दांत फाड़ फाड़ के हंस रही है। अम्मा ऐसे रो रही है जैसे मैयत में आई हो। छोड़ो सानू की क्या बात। बेटा आजा, बेटा आजा। देखना बहन जी कितनी प्यारी बेटी है मेरी, लाखों में एक है, और अभी तो विदाई भी नहीं हुई, विदाई में तो ये कूट कूट के, हाँ? मेरा मतलब फूट फूट के रोएगी, मेरे बिना सांस तक नहीं लेती, खाना भी मेरे हाथ से खाती है वरना मर जाती है बेचारी भूखी पूरा दिन। अरे बहन जी फिर आप दहेज में साथ ही में चले जाओ ना। और ढोलू तू, मम्मी के इतना मना करने के बावजूद कॉकटेल पार्टी रखवाई सिर्फ तेरे लिए।
इधर आओ। यस मॉम जी, मेरा राजा बेटा, तुझे पता है ना कि आज तेरी बहन की कॉकटेल पार्टी है, तो ऐसे माहौल में वैसी चीजें तो हो गई है, है ना, है ना? यस मॉम जी, आई नो आपने मुझे छोटा बच्चा समझा है क्या? सब पता है मुझे। एक बात ध्यान रखनी है कि तुझे किसी भी गंदी बोतल को, What? मेरा मतलब है कि चीज को हाथ नहीं लगाना, ठीक है? ओके मॉम जी, कूल मॉम जी, मैं बिल्कुल टच नहीं करूंगा। अब मैं जाऊं मजे करने, बाय बाय। खाले मोटी खाले। देख, वापस दे। है तो मेरे बाप का ही ना। मुझे मोटी बोल गया वो। अरे बेटा, इतनी छोटी मोटी चीजें तो होती रहती है ना, इतना पतंगड़ क्यों बनाना? मैं मोटी दिख रही हूँ? मैं कहाँ से मोटी दिख रही हूँ? आप बताओ मुझे, मैं मोटी दिखती हूँ? इतने सारे हैक किए, इतना खर्चा किया, इतनी खुश थी मैं, और वो मुझे मोटी बोल रहा है। मम्मी, अब ये शादी कैंसल, कैंसल, कैंसल। यार, अब कोई मोटी बोलेगा तो शादी तो कैंसल करूंगी ना। ये पागल है, इसको छोड़ो। आप लोग हमें बताओ कि आप इस वीडियो में से कौन सा हैक ट्राई करने वाले हो, और हमारी ये वीडियो आपको कैसी लगी वो भी कमेंट में जरूर बताना। और वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।